अगर तुम जर्मनी आने का प्लान कर रही हो लेकिन तुम इस डिसीजन को लेके काफी कंफ्यूज हो कि तुम्हें आना चाहिए कि नहीं, दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में आई विल डिस्कस 3 मेन चैप्टर्स एवरीवन गोस थ्रू बिफोर लैंडिंग इन जर्मनी। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि जब बंदा अपने कंफर्ट जोन में बैठकर यूट्यूब पे वीडियोस देखता है कि हाँ यार यूरोप चला जाता हूँ, काफी फिट सीन है, पार्टी भी कर लूंगा और थोड़ी सी पढ़ाई भी, लेकिन जैसे ही वो बंदा 6 महीने की मेहनत करके यहाँ पहुंचता है तो उसको आते साथ ही रियलाइज हो जाता है कि ये कहाँ आ गया मैं, और बड़े बड़े मुस्टंडों को मैंने रोते और 1 महीने में वापस घर जाते हुए देखा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या किया जाए और कौन से माइंडसेट वाले लोग यहाँ आए। तो बेसिकली अगर हम लोग अपनी स्टोरी बताएं तो हमेशा से हमारा ख्वाब था कि हम लोगों ने पाकिस्तान की कंफर्ट जोन वाली जिंदगी छोड़ जर्मनी आके अब्रॉड वाली लाइफ गुजारनी, क्योंकि मोस्टली दो तरह के लोग बाहर आते हैं। फर्स्टली जिनकी मजबूरी होती है टू फाइंड अ बेटर जॉब और अ बेटर लाइफस्टाइल, और उनको बस स्टडी वीजा एक जरिया नजर आता है टू रीच दैट गोल, एंड व्हेन दे रीच हियर दे नो कि वापसी की कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। और दूसरा हम जैसे लोग जिनकी इतनी कोई खास मजबूरी नहीं होती बाहर जाना, दे इधर गो फॉर द एक्सपीरियंस या उनको पता है कि उनका आईबी और लम्स में एडमिशन ही नहीं होना, तो बोलते हैं चलो यार बाहर चलते हैं। लेकिन इस तरह के लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते क्योंकि इनका आते साथ ही हनीमून पीरियड स्टार्ट हो जाता है और हर चीज बहुत फिल्मी लग रही होती है, लेकिन जैसे ही कुछ महीनों बाद रियलिटी हिट करती है फिर इनको पता चलता है कि यार लाइफ तो बहुत बोरिंग सी हो गई है। और तकरीबन 80% लोगों को होम सिकनेस और अकेलापन खा रहा होता है क्योंकि उनका फोकस और माइंडसेट कभी भी क्लियर नहीं था कि वो बाहर करने के आए थे। सो प्लीज इफ यू आर नॉट ब्रेव इनफ तो पाकिस्तान इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आराम से अपने घर में बैठकर मोए मोए वाली मीम्स देखो, क्या फायदा इतनी ख्वारी करने का। अगर तुमने डिसीजन ले ही लिया है कि तुमने बाहर पढ़ने जाना है तो अब तुम्हारी असल जर्नी स्टार्ट होगी, लेकिन आपको पता नहीं होता कि जाना कैसे और जाना कहाँ है। इस टाइम 50% लोगों को अपना बजट और ग्रेड्स देख के लगता है कि उनका एडमिशन इकरा यूनिवर्सिटी में होगा, लेकिन इस टाइम आपने घबराना नहीं है और रैंडम कंसल्टेंट्स के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि जिसको कैनेडियन यूनिवर्सिटी से कमीशन मिलेगा वो आपको कैनेडा बेचेगा, और जिसको कंबोडिया यूनिवर्सिटी से पैसे मिलेंगे वो आपको बोलेगा कंबोडिया जाओ, बहुत स्कोप है। ऐसी सिचुएशन में चुप करके अपना लैपटॉप खोलो और अपने बजट और ग्रेड्स के हिसाब से हर कंट्री की ऑफिशियल वेबसाइट जाकर चेक करो कि किधर जाया जा सकता है। लेकिन मुझे पता है तुम ये काम नहीं करोगे, तुम अपने अब्रॉड वाले दोस्त को कॉल करोगे और कॉल करके बोलोगे हाँ जानी क्या सीन है, मुझे भी आना है, मुझे भी ले जा, या तो तुम फेसबुक पे कमेंट करके बोलोगे मेरे एफएससी में 30% आए, मैं बाहर कैसे आऊंगा, प्लीज हेल्प मी। खैर मोटी मोटी बात यह है कि अगर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो हाँ, जर्मनी हैज फ्री एजुकेशन इन ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज, लेकिन कब तक इसका कुछ पता नहीं। जर्मनी के अलावा भी और ऑप्शंस हैं लाइक बेल्जियम, इटली, लेटविया जैसी जगहों पर भी एजुकेशन इज वेरी चीप, बट यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च कि कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, बेनिफिट्स और लिमिटेशंस क्या हैं उधर की। अगर मैं इस टॉपिक को समराइज करूं तो बॉस मेहनत और डेडिकेशन आपको खुद शो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आपके मुंह में आगे कोई नवाला डालेगा तो आपको बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होता, सारी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। आई थिंक ये वो पार्ट है जहाँ आफ्टर यू डन विद ऑल द वर्क एंड एवरीथिंग एंड यू हैव अप्लाइड फॉर द वीजा, और आप बस इंतजार कर रहे होते हो कि अब क्या होगा। जिसका वीजा नहीं आता उसको एक सेंस ऑफ प्रेशर होता है, वीजा आएगा कि नहीं, सारा टाइम ही ना वेस्ट हो जाए। और जिसका वीजा आ जाता है वो सोच रहा होता है ओह शिट, क्योंकि इस पॉइंट के बाद की प्लानिंग तो की नहीं होती, काफी चीजें आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाती है, क्योंकि फ्रॉम दिस पॉइंट यू आर ऑन योर ओन, और इस चीज का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। अच्छे अच्छे लोग जो बोलते थे कि एक बार वीजा लगने दो फिर देखो मैं क्या करता हूँ, वो भी बैक ऑफ द माइंड जहाज में बैठकर यही सोच रहे होते हैं कि कहीं मैं अगले महीने वापस ही ना आ जाऊँ, इतनी गुड बाय सेलिब्रेशंस और चौड़े करवाने के बाद बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे लोग क्या बोलेंगे। पर्सनली हमने ये चीज खुद फेस की थी, और एज अ एडवाइस इस चीज के बारे में जितना कम सोचोगे उतना बेहतर है, और स्पेशली वो स्ट्रगल्स और हार्ड लाइफ अब्रॉड वाली वीडियोस तो हाइड ही कर दो अपनी फीड से, क्योंकि आधा टाइम वो ही फाड़ के रख देती है इंसान की। ये देसी लोग अपनी हार्ड लाइफ दिखाकर खुद इंजॉय कर रहे होते हैं और बाकी लोगों को डिस्करेज करते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले अपने से एक सवाल पूछो कि तुम बाहर आना क्यों चाहते हो और तुम्हारी लाइफ को लेकर प्रायोरिटीज क्या है, क्योंकि दिस वीडियो इज नॉट अबाउट कि बाहर आ जाओ लाइफ बहुत सेट है या पाकिस्तान में लाइफ बहुत घटिया है, इट्स अबाउट नोइंग व्हाट यू वांट। क्योंकि अगर अभी गलत फैसला ले लिया तो अगले 5 साल सोचो कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, और कभी भी लोगों की वीडियोस देख के मत ये डिसाइड करना कि तुम्हें भी बाहर जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो बाहर की लाइफ हमारे लिए और लोगों के लिए सबसे अच्छा डिसीजन हो और तुम्हारे लिए सबसे गंदा। लेकिन अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो असल में यहाँ पे लाइफ घटी है। अब मैं खड़ा हूँ, स्नोफॉल हो रही है, हाथ मेरे जम रहे हैं, अब मुझे मौसम चेंज करने के लिए दूसरे मुल्क जाना पड़ेगा, अब मैं फ्लाइट लेके बार्सिलोना चले जाऊँ, वहाँ पे जाके नए नए लोगों से मिलूँ, नए नए खाने खाऊं, यहाँ पे हर जगह चल के जाना पड़ता है, आप लोगों के पास गाड़ी होती है, उस दिन मैं बार्सिलोना में था, उसके बाद मैं ऑस्ट्रिया में था, अब ये इतनी टेंशन है लाइफ में। गाइस ये जो लोग है ना इनसे आपने दूर रहना है, ये आप लोगों को डीमोटिवेट करते हैं, इन लोगों को ना आपने अनफॉलो कर दिया।